मस्तूरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने सीपत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। सीपत ब्लॉक के कोने कोने से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक को अपने बीच पाकर उनका जोरदार स्वागत किया और अपना सम्मान पाकर गदगद हो गए। सीपत के मंगल भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान और आभार सम्मेलन कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों प्रवक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए और कांग्रेस की मस्तूरी में ऐतिहासिक जीत पर सबको बधाई एवं शुभकामनाएं दी और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को और अधिक वोटों से जीतने का वादा भी किया। इस अवसर पर मसूरी विधायक दिलीप लहरिया ने कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं मसूरी विधानसभा का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। आप सभी कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस का साथ दें। विधायक ने भीड़ में खुद जाकर अपने क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी बिटपुला निवासी बूटन पाटनवार का सम्मान किया। आभार सम्मेलन को ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र धीवर, जिला समन्वयक जगदीश कौशिक, चित्रकांत श्रीवास, वरिष्ठ कांग्रेसी दुबे सिंह कश्यप, मनोज खरे, प्रमोद जायसवाल, अहमद मोमिन, भागीरथी पोर्ते, कृष्ण कुमार राठौर, तानाजी राव बांकरे, रामजी बिंजवार ने भी संबोधित किया। आभार जताएंगे, ऐतिहासिक पदों से आप लीड किए हैं और आप विपक्ष की भूमिका कैसे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे इस बारे में? जी, सबसे पहली हमर मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाता कार्यकर्ता नेता आम जनता हमर वरिष्ठ मन के माता बहनी मन के मैं हृदय ले आभार व्यक्त करत हूँ। और पहली दिन हमर पचपेड़ी माने मस्तूरी ब्लॉक में रही से और आज सीपत ब्लॉक में आभार कार्यक्रम रखे गए हैं। इमा हमर समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी सहित समस्त वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मन उपस्थित थे। सबके मैं दिल से आभार व्यक्त करत हूँ, कृतज्ञ ज्ञापित करत हूँ और दिल से धन्यवाद देत हूँ मैं कि सब मिलके सबके कड़ी मेहनत से ये जीत हासिल हुई। ये जीत ल मैं हमार कार्यकर्ता समस्त मतदाता भाई बहनी मन ल मैं समर्पित करत हूँ कि ये जीत मोर जीत न है उखर जीत है। आज जिन हिसाब से मोला ये जगह में बिठा है दोबारा मोला विधायक बने के अवसर मिलीस और मन के आशीर्वाद से मोला आज ये जो कार्य में जो दक्षता निभाना है वो मैं बिल्कुल संघर्ष करते हुए आगे बढ़िया और उकर सम्मान रखते हुए क्षेत्र के जनता के आवाज़ ला विधानसभा तक पहुँचा हूँ। मैं हर गांव के आवाज़ ला वहाँ जा के बुलंद करूँ, ये मैं अपन कर्तव्य की निर्वहन भी करूँ। मैं संकल्प भी लेता हूँ, वादा भी करता हूँ कि हमारे मस्तूरी क्षेत्र के कोई भी कार्य में विकास में कोई कमी नहीं हुआ ऐसे मैं एक प्रयास करूं विधानसभा में आवाज़ बुलंद करूं। वाकई में आज हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार नहीं बने से आम किसान में आम मतदाता भाई बहनी में उदासी है। जहां भी मैं जाता हूं ये चर्चा हो के विषय बने हैं कि लहरिया भैया विधायक जी हाँ कांग्रेस के सरकार आज रहतीस तो हमार बटन दब जाए रहतीस और किसान मन के कर्जा माफ हो जाए रहतीस। समय न्यूज़ लाइव प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।